नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोनी टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन स्टेटस में आप चेक कर पाएंगे कि आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही या फिर SSC द्वारा रिजेक्ट किया गया है, आपके एग्जामिनेशन डेट क्या है, आपके एग्जामिनेशन सिटी क्या है, इसके बारे में आपको फुल्ली जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखिए ताकि इस वीडियो में बताया गया पूरी नॉलेज आपको मिल पाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में लिखना है ssc.nic.in। इस तरह से आपको लिख लेना है और सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे SSC के ऑफिशियल पेज पर इस प्रकार से आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों इस पेज में आपको सबसे पहले टॉप में कुछ सेक्शन देखने को मिल जाएगी, जहां कि आप देख सकते हैं यहां पर एक एडमिट कार्ड वाले सेक्शन भी है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफेस होने लग जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आपके सारा का सारा रीजन का URL इस प्रकार से शो होने लग जाएगा। और दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि आपके जितने सारे रीजन का अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, कुछ ही रीज़न का एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो कौन से रीज़न का अभी तक एक्टिवेट हुआ है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो सातवां रीज़न है, इस सातवां रीज़न का अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस का जो लिंक है वो जारी कर दिया गया है। आप अगर सातवां रीज़न से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको चेक करना है, और अदर्स रीज़न का भी इसी प्रकार से आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप भी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सातवां रीज़न को क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे URL यहाँ पर शो होने लग जाएगा, बहुत सारे लिंक शो होने लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि सेकंड वाले लाइन आपको देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं फेस 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट नाउ द एप्लीकेशन स्टेटस मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, आप जिस भी लेवल से अपने फॉर्म को अप्लाई किए हैं उसी लेवल से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं मेट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म अप्लाई किया हूँ तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटरफेस होगा। आप किसी भी लेवल से फॉर्म का अप्लाई किए हैं आपको इसी प्रकार से शो हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर नाउ द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन में क्लिक कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से शो होने लग जाएगा, आपके एप्लीकेशन स्टेटस शो होने लग जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे का सारे डिटेल्स आपको शो होगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि नीचे में आपके फॉर्म एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट है आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन डेट, आपके एग्जामिनेशन सिटी सारा का सारा इसमें मिल जाएगी। और आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से 3 से 4 दिन पहले आप के यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप अपने एडमिट कार्ड को भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।